बिजली विभाग ने लगाया समस्या समाधान शिविर। हाथीबाटा पावर हाउस में एक साथ बैठे हर स्तर के अधिकारी, लोगों की समस्या को सूचीबद्ध करके किया समाधान। बिजली विभाग की ओर से लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए समस्या समाधान शिविर आयोजित किया गया। इसके तहत बिजली विभाग के बड़े से लेकर छोटे स्तर के अधिकारी एक साथ बैठे। अधिकारियों ने लोगों की ओर से प्रस्तुत की गई शिकायतों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय में बिजली विभाग की ओर से कई स्तर पर शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम भी विभाग और उपभोक्ताओं को मिल रहे हैं। बेसिक रूप से जन सुनवाई हम इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि कुछ लोग हमारे जो नीचे के ऑफिस हैं उसमें उनके कार्य किसी कारणवश नहीं हो पाते हैं और लोगों के मन में कि ये भाव रहता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एक प्लेटफार्म हमने दिया है कि वो आकर अपनी समस्या बताएं और हम तुरंत प्रभाव से उसी समय से कंसर्न आदमी से बात करते हैं और बात कर और जो भी उनका वाजिब समाधान है वो समाधान यहाँ जन सुनवाई में ही करने की कोशिश करते हैं। इसका एक अच्छा परिणाम ये गया है कि जनता और हमारे बीच में जो एक कम्युनिकेशन गैप था वो एक तो दूर हुआ है और एक लोगों में एक विश्वास जागृत हुआ है कि हाँ जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट में हमारी सुनवाई हो रही है, उस न केवल सुनवाई हो रही है बल्कि सुनवाई करके उनकी समस्या का समाधान भी किया जा रहा है। सरकार की मंशा भी यही है कि आम आदमी आम उपभोक्ता की बात को सुना जाए, उनकी समस्याओं का निदान हो और उसी के लिए ये निगम लेवल के ऊपर एक प्लेटफार्म तैयार किया गया है और इसी तरह हर सर्कल में भी हर सोमवार को 2 घंटे की जनसुनवाई रखी गई है और इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। काफ़ी हम 7 दिन के अंदर ज़्यादातर केसेस को निपटाने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट जनसुनवाई में पिछली जो जनसुनवाई है उसके क्या परिणाम रहे उसकी कुछ चुनिंदा उपभोक्ताओं से बात भी करते हैं और जिन उपभोक्ताओं की ग्रीवेंसेज यहाँ आती है उनसे ग्रीवेंस दूर कर और उनसे टेलीफोन से बात की जाती है, भाई आपकी ग्रीवेंस दूर हुई या नहीं। जब वो कह देता है ग्रीवेंस दूर हो गई तब उसको हम क्लोज मानते हैं। तो एक बहुत अच्छा ये संदेश गया है हमारे उपभोक्ताओं के बीच में और इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। सर अभी तक किस तरह के केसेज आ रहे हैं अधिकतर? ज़्यादातर केसेज गलत बिलिंग के, कनेक्शन नहीं होने के या कनेक्शन गलत टेरिफ में होने के, लाइन शिफ्ट करने के, इस तरह के केसेज आ रहे हैं। तो लाइन शिफ्टिंग क्योंकि यदि छोटा मोटा काम है तो हम 7 दिन में कर देते हैं, लेकिन जैसे कोई बड़ा काम है 33 kV लाइन की शिफ्टिंग है या कोई बड़े कई घरों के बीच में से लाइन शिफ्ट होना है तो उसमें क्या डिमांड नोटिस दिया जाता है, डिमांड नोटिस वाला वाली कार्रवाई 7 दिन में कर देते हैं और वो जमा जब भी जमा होगा तो उसके ऊपर फिर आगे कार्रवाई होती है। तो कुछ केसेज में टाइम लगता है लेकिन बाय एंड लार्ज जो मीटर के हैं जो बिलिंग केसेज हैं वो हम 7 दिन के अंदर निपटा देते हैं।